हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में चैप्टर फर्स्ट इंटीजर जो हमने पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में बताया था हमने कि इंटीजर्स जो है क्या होते हैं, जो नंबर पूरे पूरे होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें पॉइंट नहीं होता ना वो डिवाइड में होते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं अपन इंटीजर्स। अब ये 243 है, ये पूरा क्या है, इंटीजर्स है। अगर मैं बोल दूँ कि 2.3 तो वो इंटीजर नहीं होगा, 2.5 इंटीजर नहीं होगा, केवल 2 बोलेंगे तो इंटीजर है, 3 बोलेंगे तो इंटीजर है, +2 बोलेंगे तो इंटीजर, -2 बोलेंगे तो इंटीजर, ठीक। तो यहाँ इंटीजर का अपने पहले प्लस करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, अब आते हैं डिवाइड करना। तो फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ कॉलम, एक्सरसाइज 1.3 जो कि पेज नंबर 15 पर है, इसके क्या करना है, पहले क्वेश्चन में डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करके क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बता दो आप लोगों को, फिजिकल साइन के बारे में बताया था कि साइन क्या होता है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में सेम रूल लगता है, और प्लस और माइनस दोनों में सेम रूल लगता है, ठीक है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, प्लस आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस आता है। तो जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसे डिवाइड होता है। अब यहाँ 45 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस 45 डिवाइड बाय माइनस 9, तो प्लस और माइनस का जो करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आएगा, माइनस। फिर 95 को 45 कितने टाइम आते हैं, 95 सर 45, ये अपना आंसर। सेम सेम करेंगे, प्लस माइनस और प्लस का है, मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड करो, तो 9 1 9 9 2 18, 9 3 21, 9 3 21, 21 24 छोटा है, 9 3 21, कितना बचेंगे बताओ, 24 से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेंगे बोलो, कितना बचेंगे, 3 और बचेंगे। ये क्वेश्चन अलग नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, देखते हैं 9 3 21 कैसे हो गया, 9 9 9 2 18, 9 3 27 होते हैं, तो 9 2 18 आएगा, ठीक है। कितना बचा, 24 में से 18 माइनस करो तो 6 बचेगा, 6 को अगर 3 से पहले लिखो तो 63 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 9 की टेबल में 63 कितनी बात है, 9 7 63, तो ये क्या हो गया अपना 27 आंसर। चलो इसी टाइप से थर्ड बार इसका सोल्व, ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका सोल्व क्या होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब आंसर जो है ना प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस में तो आएगा, लेकिन इधर 241 लिखा हुआ है, इधर कितना लिखा हुआ है, 5525, और यहाँ डिवाइड करना बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड करें 241 डिवाइड कर 5525। चलो इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी डिजिट हो तो ऐसे ही बनना है। अब 221 की टेबल कितनी बार बोले आ जाएगा, 555, तो 221 का डबल देखो तो डबल कितना होगा, 400 के लगभग होगा, 400 तो 500 से छोटा है, इसका मतलब तो 2 टाइम लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 2 2 4 2 2 4, माइनस करें 0 बचेगा, 4 में से 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, ऊपर से क्या आएगा 5। अब क्या करें, अगर मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ, 221 में लगभग 2 की डबल है, यहाँ 10 के लगभग आ रहा है, ठीक है, 10 के लगभग आ रहा है, तो 2 5 10 होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 5 5 10 0 5 10 11, माइनस करोगे तो 0 0 0 0, तो आंसर क्वेश्चन कितना हो जाएगा अपना 25, तो 25 का आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस,
तो क्वेश्चन क्या हो गया, नीचे लिख देना क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर कितना 45। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या बोल रहा है उसने, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का फर्स्ट वाला क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू किसी एक टेबल से डिवाइड हो रही, क्या हो रही, अगर हो रही तो सबसे पहले उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसे ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली, नीचे 21 है, 21 3 की टेबल में आता है, क्या 441 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, देखो 3 से 3 बन जा 3 1 बचा 14 हो जाएगा, 3 टू जा 3 4 जा 12 फिर बचा 2 तो 37 जा 21 हो गया, डिवाइड पूरा डिवाइड करना है, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो 3 से डिवाइड कर लो 441 तो 3 बन जा 3 बचा 1 ऊपर से आया तो 3 4 जा 12 बचा कितना 2 37 जा 21 आया 147। इस टाइप से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके काटना है, नीचे वाले को डिवाइड करो 3 से तो 3 से बनता 21, मतलब क्या है -147/7 आगे काटना। चलिए इससे आगे हम देखते हैं क्या 7 से 147 पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड एक्चुअली, ठीक है यहाँ डिवाइड करो 7 टू जा 14 और 7 बन जा 7, ठीक है आगे माइनस लगना है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब तक वो कैंसिल हो रहा है तब तक अपने को कैंसिल करना है, उसके बाद रुक जाना है। माइनस 195 डिवाइड बाय माइनस 13, ठीक है माइनस 195 डिवाइड बाय माइनस 13, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बचाएगा 195 डिवाइड बाय 13, क्या 13 से 195 डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 13 बन जा 13, 19 में से 13 माइनस करके तो बचेगा 6, तो 35 का कितना होते हैं 65, तो 13 बन जा 13, ठीक है यहाँ पे 13 बन जा 13, 35 का 65 तो आंसर कितना हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं, कौन सा थर्ड वाला, 576 डिवाइड बाय -24, अब दोनों में से अगर एक जब माइनस करो तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, जैसे आएगा पहले उसको कैंसिल करते हैं, टू की टेबल से 2 वन जा 2 टू टू जा 4, 2 से इसको 2 वन 2 टू जा 4 अच्छा 1 तो 7 बन जाएगा, 12 जा 16 फिर 1 बन जा 12 जा 16 तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा 288 नीचे हो जाएगा 12, फिर टू की टेबल से काटो इसको 2 6 जा 12, ठीक है 2 6 जा 12 इसको काटो 2 4 जाए, ठीक क्या बन गया अपना, ऊपर बन गया -144 और नीचे बन गया 16 6, सॉरी फिर टू की टेबल से कैंसिल करें तो 2 6 जा 6, 2 6 को करें तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक फिर क्या आ गया हमारे पास -72 अपन ने 3 आ गया, अब 3 6 को डिवाइड करो 3 1 3 यहाँ पे 3 1 3 उन बचा 3 2 2 तो आंसर हो जाएगा अपना -40, ठीक है ये माइनस जो था ये सब में चलता रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफाई
सिंप्लीफाई। पहला का अर्थ है इसका क्या लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट माइनस 14 है डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज फिर डिवाइड बाय 7 माइनस 7 से माइनस 7 चलिए सॉरी। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा है ये माइनस का और प्लस का है तो माइनस नहीं आएगा आंसर, 7 × 7 = 45 आते हैं 7 × 7 = 49 डिवाइड बाय माइनस 7 माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बचा 7 तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस 9। ऐसे हम सबसे पहले तो इसको डिवाइड किया 7 × 7 = 49 इसलिए 7 है, फिर यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 माइनस माइनस तो क्या प्लस 7 × 7 = 7 तो 1 है। इस तरह से आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होमवर्क में सॉल्व करोगे ठीक है। होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सेकेंड थर्ड और फोर्थ ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और ये आप लोगों की एक्सरसाइज भी कल खत्म हो जाएगी। Yeah, it just
जिसका आंसर अलग आ रहा है राज्य जिसका आंसर ना अलग आ रहा है, ठीक है, प्रिंस जिसका आंसर और राज्य जिसका आंसर एलएचएस इज नॉट इक्वल आरएचएस, यही तो हमको लिखना था, ठीक है।